नाज़रीन देखिए बेटा तेरी मेरे से लड़ाई करने आ गई। आत्मा आगे काट लो। मैं देखिए नाज़रीन मैं आपको सामने उनसे माफी मांगता हूँ। ये मेरे ऊपर याद नहीं करे जो आपके लिए पाँव भी नहीं देखो फिर भी दया नहीं कर रही ये मेरी क्लास ले रही शाम को मेरे से शाम मांगती जो लाया देगा उधर कैमरा आ रहा है उधर देखो कैमरा आ रहा है आदरी ये खुश हो नहीं ठीक है आदरी भी ये खुश नहीं है मैं मार रहा था तो ये हमारे राज के लिए ये माँ के पैवर कर रही है जी ये माँ के पैवर कर रही है ये मेरे बच्चे ये चूड़ियाँ काट रही है मुझे ये देखे अच्छा नाज़रे हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं नाज़रीन उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जा रही है अल्लाह आपको खुश रखे दुनिया और आखिरत की भलाई दिए सभी का फरमाए। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि जो बीमार है अल्लाह उनकी सेहत को शिफा दे जो दुनिया पानी से डर चुकी है अल्लाह सबकी मफ़र फरमाए दिल का बुलंद करे। और नाज़रीन यहाँ ये भी दुआ है हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि जो जो दुनिया भर में जिसको हाइटों की जरूरत है उनकी तमाम तमन में आगे ज़्यादा हाइटें अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कर दे। खासतौर पर हमारे एक नई भाई हैं अमेरिका से वो बहुत परेशान हैं उनके लिए भी आपसे गुजारिश है दुआ करें और अल्लाह उनकी तमाम परेशानी दूर करें उनके लिए कुछ मसाइल हैं बहुत सारे अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानी दूर कर दे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए खाने पैदा करें हमारी ये दुआ है। और अब आपने वीडियो भी पूरी देखनी है लेकिन आपसे ये भी गुजारिश है कि जिन पर भैया ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे तमाम वीडियो शेयर किया करें। हम भलाई काम करते हैं और खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद आपके सामने है मेरा आपका कोई जरिया मार्क नहीं है लेकिन जिस तरीके का हालात हम गुजार रहे हैं मुझे पता है बच्चे मुझसे सवाल करते हैं आप इस वीडियो में आप देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी आपने वीडियो पूरी देखनी है आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन ये कफ टूटा हुआ है और कपड़े भी नहीं लेते थे और लोगों को पैसे देते और राश भी नहीं दे उन्हें राश भी देते और कपड़ों के लिए नहीं होते इनके पास। नाज़रीन बच्ची मेरी शिकायत लगा रही है मुझे कह रही है आपको मैं लोगों को वॉशरूम जाके बनवा के देते हो उनको जो है ना पैसे फराम करते हो बेटा वो जो होते हैं ना पैसे अमानत होती है अमानत भी ख्यानत नहीं करते अमानत होती है इसलिए वो हमारे नहीं है बेटा हमारे होंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ला कर देंगे। तो नाज़रीन दरअसल जो पैसे हमारे पास आते हैं और लोगों की डोनेशन अमानत होती है इसलिए हम उसमें ख्यानत नहीं कर सकते बच्चों को क्या मालूम अब ये देखते तो है इनको पता है कि बाबा आज ये काम करने गए हुए हैं किसी को वॉशरूम बनवा के देने के लिए किसी को जनाब व्हील चेयर लेके देने के लिए जो जो काम है वो हम कर रहे हैं। अब नाज़रीन ये चाय मैंने पीनी है ये देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चाय जो है मैंने पीनी है कोई मसला नहीं मुझे जो काम मिल गई खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है मैं हमने पीकर कौन सा मोटा होना है बेटा इंशाल्लाह जब कोई पैसे होंगे तो लेकर देंगे आपको कपड़े लेकर देंगे। नाज़रीन इनकी शिकायत दुरुस्त है आप इनको क्या मालूम कि अमानत में हम खयानत क्यों करेंगे। देखें जी आमना कहती मेरा जो है ना गुब्बारा आपने क्यों पकड़ा है ये रहा वक्कर वो भी खेल रहा है गुब्बारे के साथ मच्छी। देखें नाज़रीन बेटा मेरा फिर बार बार कह रहा मच्छी और वाकई इनको खाए हुए तकरीबन 2 माह से ऊपर हो गए हैं अब अल्लाह ने चाहा दोबारा जरूर खिलाएंगे इनको। नाज़रीन हम आज आपको रात की रूटीन दिखाने जा रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं उधर बस्ता देखिए वो सामने वस्त्र भी पड़ा हुआ है वो भी पढ़ाई के लिए रखा हुआ है। मेरी बेटी जो है वही 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में माशाल्लाह जी मैं गलती पर था और मेरी 8वीं क्लास खत्म की है अब 9th में हो गई है 9th आपको पढ़ रही है और अच्छा 8 में पढ़ ली है देखे जी बच्चे पेपर हो गए हमारे पेपर हो गए माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे खुश हो
बताओ सलाम करो दुआ करो अपनी माँ के हाथ दिखाए जरा बेटा अपनी माँ के हाथ दिखाए रोटी वाले पेपर में आखिरी पेपर में मैंने ये आप देख रहे हैं समय उसके सुनते हालात ये बता रही है मैंने चार रुपया बना बना एक चार रुपये की बड़ी कर लिया दो की तीन हजार लेगी क्या कह रही है जी मैंने पैसे ले रहे 3000 पैसे तो नहीं है तो हाथ का फोन कर कहा से लाऊ आपने बाहर देने थे 4 रुपए के तो उनको तो देने थे ना आप मुझे क्यों दे रहे दूंगा दूंगा आप मुझे सिर्फ 10 दिन दे दस दिन बाद आपको पैसे दूंगा कह रही है कि आप जरा ये जो है क्या करो मैं आपको भी देता हूँ खुश हो दादरी मैं आपको भी पैसे देता हूँ सिर्फ 1000 देने हैं हाँ जी दादरी ने बारह फैसला नहीं हुआ हम आपको गहरे कपड़े लेने कपड़े अब आगे ईद आएगी ना ईद कपड़े ले लेंगे जो अब रात को दूसरे महीने की 20 तारीख को अभी वाक्य से वादा किया था 20 फरवरी का लेकिन वो वादा मेरे से पूरा नहीं हो सका उसके लिए इनसे भी माजरत अल्लाह से भी माफी करते हैं 2024 हाँ हाँ दूसरे महीने की 20 तारीख को 2024 इनको रमजान से पहले पहले कोशिश है कि हम कपड़े लेकर दें क्योंकि हम मुसलमान तो हैं नाम के मुसलमान है लेकिन अमली तौर पर नहीं उसकी वजह ये है कि जो हमारे ताजर भाई है बात तो बुरी लगे कि सच कड़वा लगता है जब भी रमजान आता है ईद भी आती है साथ साथ तो उन दिनों में रमजान आते ही साथ हर चीज को आग लग जाती है और जबकि गैर मुस्लिम ममालिक में यकीन जाने के जो हमारे इस्लाम त्यौहार ममालिक में होते हैं या उनके अपने होते हैं चाहे वो हमारे हों चाहे उनके हों दोनों मामला पे वो मार्केटों के रेट डिस्काउंट कर देते हैं बकरा सब्जी अलग देते हैं और डिस्काउंट अलग कर देते हैं जो प्राइवेट लोग हाजिर होते हैं वहाँ पे वो अलग डिस्काउंट कर देते हैं लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हम कोशिश करेंगे इनको रमजान से शुरू होने से पहले पहले कपड़े खरीदारी करके दे दें ताकि रमजान में इनको रोजे होते हैं और उसमें खुशियाँ होती है क्या नहीं होता और दूसरा प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ पैसे हमें बच जाएंगे इंशाल्लाह इनको लेकर देंगे नाजरीन आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मोहब्बत आपका प्यार हमारा साथ है आपके तावन से हम आगे बढ़ेंगे बाकी इजाज़त करते हैं दुआ में याद रखना बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।